जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मैं एक चाहता हूँ कि मैं इस डाटा को जितने एरिया को सिलेक्ट करूँ इनका टोटल मुझे क्या हो जाए, सम हो जाए। मुझे किसी रेंज पे नहीं रखना, किसी जगह पे नहीं रखना। तो आपको पता था हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट बॉक्स होता है ना। अब यहाँ इनपुट बॉक्स की मदद लेंगे, हम बोलेंगे इंसर्ट देन मॉड्यूल। इस समय हम कहाँ खड़े हैं, कौन सी बुक पे, बुक वन पे। तो हम कोडिंग कहाँ करेंगे, बुक वन पे जाएंगे, इंसर्ट के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, देन बोलेंगे सब देन मॉड्यूल, बोलेंगे आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स। अब अगर एप्लीकेशन के साथ करोगे तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले क्या नाम आया पॉपअप का, तो हमने बोल दिया सिलेक्ट रेंज। टाइटल क्या होगा, सम, देन बाकी कुछ नहीं। सबसे एंड में आता है टाइप, टाइप क्या, मैंने बोल दिया एट। अगर मैं यहाँ एट डालूंगा तो इससे क्या होता है कि आपका एक रेंज बन गया था। जैसे मैंने इस, आप लोग करते हो ना इसके अंदर कहाँ जाके, जब आप वो लगाते हो पीवट टेबल लगाते हो ना, तो आपका रेंज बन गया आता है, उस तरह से वर्क करेगा। दिखाता हूँ, पहले बुक वन पे जाता हूँ, उसको रन करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप देखिए यहाँ पर आइए इस पे, देखो जितने एरिया को सिलेक्ट करूँगा उसकी एक रेंज बन के यहाँ आ जाएगी। एट से क्या होता है, एड्रेस आता है, वन से कुछ और होता है, टू से कुछ होता है। मैं फाइल बनाना ऑफिस से बना रखी थी लेकिन लाना भूल गया मैं आज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इनका सम, जितने को सिलेक्ट कर रहा हूँ इसका सम आ जाए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, उसके लिए बोलेंगे मैसेज बॉक्स, और इसको कॉल करेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम इक्वल टू, क्या डाल देंगे इसके अंदर, आर, देन F5, देन एरिया को सिलेक्ट करा एंड देन एंटर आ गया। तो इस तरह से आप और काम को इजी करते हैं। समझ में आया किस तरह से इसको हमने करा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इस तरह से आप और भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब मैं ये चाहता हूं कि जो यहाँ मैसेज बॉक्स है ना, इस पूरे एरिया को यूजर फॉर्म पे या मैसेज बॉक्स पे दिखाना चाहता हूँ। किस पे दिखाना चाहता हूँ, मैसेज बॉक्स पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, और हमने बोला फोर आई, आप कितने चलो, एक से लेके रेंज ए 65,000 डॉट आपका एंड डॉट आपका आप और डॉट आपका रो, जो लास्ट डाटा है वहां तक चलो। फिर एक और लूप चलाया मैंने, बोला फोर जे, आप एक से लेके डॉट रेंज कहां से, XFD1 डॉट एंड डॉट लेफ्ट डॉट कॉलम। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, पहले सबसे लास्ट हमें रो नंबर मिल जाएगा, फिर हमें सबसे आखिरी में कॉलम नंबर मिल जाएगा। देन उसके बाद हम बोलेंगे M बराबर है M कॉन्करेंट सेल के अंदर I, I के अंदर J डॉट वैल्यू, और कॉन्करेंट कर दिया मैंने VV टैब। तो मतलब जो आपका है इसको आप टैब में कन्वर्ट करो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे नेक्स्ट जे, और एम हो जाएगा हमारा एम कॉन्करेंट बीवी न्यू लाइन। अब इसको करने से क्या बेनिफिट है दिखाता हूँ। नेक्स्ट आई देन मैसेज बॉक्स इज इक्वल टू एम, जैसे मैं इस पॉपअप को ओपन करूंगा सारा डाटा हमारे इस यूजर फॉर्म पे शो हो जाएगा। कैसे करा कि जो हमने यहाँ बोला बीवी टैब, बीवी टैब का मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें आप एक टैब को भी गैप दीजिए, ठीक है। जब हमारा एक लाइन में सारा डाटा आ जाएगा तो आप नेक्स्ट लाइन में जाइए, कहां पर एम कॉन्करेंट क्या कर दिया मैंने बीवी न्यू लाइन। तो इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन के नीचे ही, जैसे मैं इसको F5 करूंगा तो आपका सारा डाटा यूजर फॉर्म पे शो हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ अगर आपका डाटा जितना मर्जी बढ़े कोई इशू नहीं, जैसे आपने इसको इतना बढ़ा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नीचे ले आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, हो गया। और F5 करके मैंने इसको रन कर दिया, डाटा कितना भी बढ़ाओ कोई इशू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको डायनेमिक कर रखा है। तो इस तरह से आप मैसेज बॉक्स के जरिए यूजर फॉर्म को शो करा सकते हैं। समझ में आ गया, किसी भी डाटा को आप अपने यूजर फॉर्म पे शो करा सकते हैं, और ये डायनेमिक है, डाटा घटे बढ़े कोई दिक्कत नहीं है इससे। बीबी टैब मतलब गैप दे रहा है, बीबी टैब गैप दे रहा है, और न्यू लाइन आगे से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर। एम एक वेरिएबल है, जैसे नाम होता है ना, तो एमपेक्स है, तो एम इस समय किस में कन्वर्ट हो जाता है दिव्या, अगर हम कोई नाम नहीं देते तो एम क्या होता है इस समय,
वेरिएंट होता है, तो बस क्या हुआ अगर नाम दे दें यहाँ पर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसलिए नहीं दिया था क्योंकि नंबर था। टैब से मतलब इनके बीच में गैप ला रहा है, टैब इनके बीच में क्या कर रहा है, गैप दे रहा है। कॉपी नहीं कर रहा है, कॉपी नहीं कर रहा है, कहाँ कॉपी कर रहा है। नहीं तो अगर ले भी रहा है तो जब उसको स्टेप बाय स्टेप लेगा, सेल के हिसाब से लेगा ना, पहले इस डाटा को उठाएगा, पहले इस डाटा को उठाएगा, जैसे ये डाटा उठेगा उसको यूजर फॉर्म पे एक जगह पोस्ट करेगा, फिर टैब मार के आगे जाएगा उस डाटा को करेगा, फिर टैब, फिर टैब, फिर टैब, फिर टैब, फिर लास्ट, हाँ फिर जब खत्म हो जाएगी फिर वो सबसे नीचे आ जाएगा। नीचे आ गया था यूजर फॉर्म, नहीं अभिलाष मैसेज बॉक्स है, एम तो डाला है। एक होता है वीवी न्यू लाइन, एक होता है वीवी के आर यू एल होता है कुछ करके, वो शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिससे आपका एक और कोड होता है जिससे पूरी फाइल आपकी आ जाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, ये भी कोड होता है ठीक है, एक वीवी न्यू लाइन होता है और एक आपका ये होता है। तो दो तरह के कोड है जिससे आप फाइल को न्यू लाइन से ला सकते हैं। ये इसलिए लगाया कि एम पे वैल्यू को स्टोर हो जाए, ये एम लगाना ही पड़ेगा, जब भी आप कॉन्वर्ट करोगे विदाउट इसके नहीं आएगा। आप कहोगे सर एम को हटा दो तब करो, तब ये पॉसिबल नहीं, मैंने ट्राई नहीं करा। वैसे जो कॉन्सेप्ट कहता है वो आप एम के साथ ही लाओ, जब भी आप किसी चीज़ को कॉन्वर्ट, जैसे मैं चाहता हूँ इसके आगे ये मेरे पास एम है ठीक है, इसमें इसको प्लस इसको करना है ठीक है, तब मैं इसको ऐसे करता हूँ एम कॉन्वर्ट वन कॉन्वर्ट, गलत हो गया कॉन्वर्ट वन, अब क्यों नहीं आ रहा, एम के बाद डबल सेलेक्ट हो गया। तो ये लगाना फिक्स है। अब आगे क्वेश्चन पे चलें, ये सभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बताने आज